एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। तो आज है संडे और हम लोग जाने वाले हैं बीच पे, क्योंकि जब से आयान थोड़ा चलना शुरू कर दिया है तब से हम लोग कभी बीच पे गए नहीं है उसको लेकर के। तो हम सोचे कि क्यों ना, आज का वेदर बहुत अच्छा है तो उसको बीच पे लेके जाते हैं और देखते हैं वो कितना एक्सप्लोर कर पाता है, कैसे वो वहां पे जाकर के रिएक्ट करता है। तो वो सारे मोमेंट्स को हम कैप्चर करना चाहते हैं और सोचे कि क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके चले और वहां का, यहां का, नेदरलैंड्स का बीच आपको दिखाए कैसा सा है। डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत सारे बीच देखे होंगे, अगर नहीं तो नीदरलैंड्स का भी कैसा बीच है वो आपको दिखाऊं और हम लोग भी वहां पे जाकर के थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको मैं वेदर की बात बताऊं तो यहाँ 29 डिग्री है, जो कि बहुत एक्सट्रीम गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का 29 और इंडिया का लाइक 40 आप एक जैसा लेकर के चलो, तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो चलते हैं और चल के आज बीच का मजा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आयान के लिए कुछ खाने के लिए ले लूँ, क्योंकि आयान को वहाँ पे भूख लग सकती है, तो इसीलिए कुछ जो रेडीमेड है वो मैं उसके लिए ले लेती हूँ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं आयान के लिए कुछ पैक कर लेती हूँ, जैसे उसका डायपर हो गया, उसका एक दो ड्रेस ले लिया मैंने, एक टॉवल ले लिया, दो छोटे छोटे कपड़े ले लिए मैंने, ताकि और SPF ले लिया है मैंने, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। और ये हो गया उसका पूरा पैक और बाकी का सारा सामान यहाँ पे है, जो मैंने खाने का सारा सामान लिया था। ये हमारा मैट हो गया और यहाँ पे हमारा पानी का बॉटल और ये है आयान के खेलने के लिए एक छोटा सा इसके लिए बास्केट। मम्मा हम अपनी कार में सेटअप, आयान ये रहे बैठे हुए एंजॉय कर रहा है, ये हमारा सामान पीछे और यहाँ से हमारा जो बीच का डेस्टिनेशन है वो 30 मिनट का है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाइक अभी 4:00 हो गया है तो 4:30 में हम आराम से पहुँच जाएंगे। और सिंस यहाँ पे रात बहुत ही लेट से होती है, आज पूरे दिन सनी डे है, तो हमें बहुत टाइम मिल जाएगा। तो आई थिंक हम उधर से लेट भी है तो हमें ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी आने के लिए, बहुत सुंदर सा वेदर किया हमारे। मिलते हैं आपके साथ बीच और हम पहुंच गए हैं बीच के पार्किंग में, क्योंकि जहाँ पे पहले लास्ट टाइम हमने पार्क किया था हम सोचे कि वहाँ पे पार्क करें, पर इतनी भीड़ थी लाइक लिटरली हम 20 मिनट तक पार्किंग सर्च करते रहे कि हमें कहीं पे मिला नहीं। और फाइनली आप ये देखिए, यहाँ भी जो हमने पार्क किया आप दूर दूर तक देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कार से लगी पड़ी है, तो एक काफ़ी बड़ी सी ऐसे एरिया है, तो हमने अपनी कार यहाँ पर पार्क की है। एक ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आज बीच पे ही आए हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर सा डे होता है ये सब। यहाँ इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पैर में मतलब पानी में पैर डाल ही नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर रहा है और इतना रो रहा है। Thank you.
अभी क्या हुआ कि हम लोग सामने देख रहे हैं तो एक मैक्सिकन कपल है, लाइक पूरी फैमिली आई हुई है और उनका बेटा बहुत बदमाशी कर रहा था और बदमाशी करते करते दो चार चाटा खा लिया। हालांकि वो जैसे मार रही थी वो बहुत चुपके चुपके मार रही थी, कोई देख ना पाए, लेकिन हमने देख लिया। अलाउड नहीं है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं अपनी कार के पास, क्योंकि हमारी कार काफ़ी दूर लगी है बीच से और बहुत लंबा चलना पड़ा है, तो खैर वो भी एक अच्छी बात है, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। और हम चलते हैं अपनी कार के पास और उसके बाद फिर पहले हमें चार्जिंग पे लगाना होगा अपने कार को, क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम पे 30% पे था, तो हमें कार को चार्ज में लगाना होगा, उसके बाद हम घर पर। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो जगह से बहुत ही धुआं निकल रहा है, यहाँ और यहाँ। तो ये मैं बता दूँ कि ये है टाटा स्टील की कंपनी और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। टाटा स्टील कंपनी चाह रही है कि कैसे भी करके हम अपना पोल्यूशन एक लेवल तक कम करें, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है और हमेशा हमेशा प्रोटेस्ट होते रहता है यहाँ के लोकल्स के कारण। लोकल्स हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं ताकि इसको भी कैसे भी करके बंद कर दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है यहाँ पे। तो आयान हो गया रेडी घर चलने के लिए और ये बहुत ऐसे थक गया है, लग रहा है कि ये बहुत जल्दी सो जाएगा और मुझे इतनी हिचकी आ रही है। अब मैं जल्दी से पानी पीती हूँ। और ये हमने अपना सामान रख लिया, पानी है। और हम अभी जस्ट स्टार्ट ही किए हैं चलना, वही सो गया। और हम अब पहुंच गए अपने सुपर चार्ज के पास, क्योंकि हमारी जो कार की बैटरी हो गई है वो है 12%, तो हमें जल्दी से जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आई थिंक कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर हमें लगेगा यहाँ पे। और अभी भी सोया हुआ है तो हमें उतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हम चार्ज करते हैं पहले, चार्ज करने के बाद फिर घर पहुंचते हैं।
और यह हमारी लग गई कार चार्जिंग के लिए और हाफ एन आवर हमें वेट करना होगा और तब तक टाइम पास के लिए। गुड जॉब फर्स्ट कैसे मॉडल वाई फर्स्ट है तो मॉडल वाई क्या है तुम्हारी क्या है तो ये रेज क्यों है वैसे नाम दिया उन्होंने मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया इसलिए ओ मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया इसलिए ये ओके और मैं ये ऐसा दिखता नहीं समझे प्राउड ऑफ यू या फर्स्ट आए तुम खेला है हम लोग पहुंच गए हैं घर और बहुत लेट हो गया था अभी पहुंचते हुए 10 बज गया है और आयान रो रहा है यहाँ पे अपने पापा के साथ खेल रहा है वो क्या हुआ आयान भूख लग गई हाँ भूख लग गई किचन में जा रहा है उसको भूख लग गई है तो मैं आकर के सबसे पहले नहाई हूँ क्योंकि मैं जब भी बीच पे जाती हूँ मुझे लगता है कि बहुत ही गंदी हो रखी हूँ तो फिर जाकर के फटाफट मैं नहाई अयान को नहीं नहलाया मैं सोची कि पहले तो मन में आया कि उसको भी नहला दूँ लेकिन फिर लगा कि उसके लिए ज्यादा ठंड ना हो जाए तो उसको छोड़ दिया और अभी हमारा खाने का मन कर रहा है पनीर की सब्जी और पूरी तो मैं पनीर की सब्जी चढ़ा रखी हूँ और पूरी के लिए मैंने आटा गूंधवाया है मैंने क्योंकि हम दोनों ही थके थे मैं बोली ठीक है काम डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा तो मैंने अपना सब्जी वब्जी बना लिया है और अभी आटा गूंद दिए पूरी के लिए और अभी मैं जाकर के पूरी बनाती हूँ और फिर हम डिनर करते हैं तो ये रही मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई है अभी मुझे फटाफट रोटी बनाना है जिसके लिए आटा मेरा यहाँ पे गूंदा हुआ है मैं जाकर के और फटाफट पूरी बनाती हूँ एक्चुअली पूरी बनाना है मुझे तो ये रेडी हो गया हमारा डिनर तो अब हम लोग जाते हैं और फटाफट डिनर करते हैं क्योंकि बहुत रात हो गई है और बहुत भूख लग रही है हम लोग जल्दी से खाना खाते हैं और आज का ये ब्लॉग मैं अभी ही बंद करती हूँ और आप लोगों को ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगी तब तक के लिए बाय।